गाइस आज हम बात करेंगे अनुपम पिनसर्व शेयर के बारे में। सो गाइस देख सकते हैं जो शेयर है अभी इसमें 2% की गिरावट थी और अभी 1.61% की गिरावट हो गई है। तो गाइस ये अभी क्लोजिंग भी इसकी गिरावट के साथ होगी। और बात करें 5 दिन पहले की तो इसमें 41% ये अप गया है। और बात करें 1 मंथ पहले की तो 1 मंथ में इसने आपको 0.83% के रिटर्न दिए हैं। और 6 मंथ में देखें तो ये 6 मंथ में 17.97% नीचे गया है। और गाइस ईयर टू डेट में देखें तो ईयर टू डेट में ये 38.73% नीचे गया है। और वहीं मैक्स में ऑल टाइम में देखें तो ऑल टाइम में देख लीजिए गाइस प्राइस कहाँ से कहाँ तक आ गया है, 14.18% का जो है ये गिरा। अब बात करें इसकी बिट क्वांटिटी और आस क्वांटिटी के बारे में, तो गाइस देख सकते हैं इसका जो बेइंग प्रेशर है वो 840 का है और जो सेलिंग प्रेशर है वो 2116 का है। तो गाइस देख सकते हैं इसमें सेलिंग प्रेशर कितना ज़्यादा है, तो इसमें LC लगने के चांसेस हैं। गाइस अब इसकी बुक वैल्यू और फेस वैल्यू को भी देख लेते हैं। जो इसकी बुक वैल्यू है वो 1.8 है और फेस वैल्यू 1 है। और जो बीटा है गाइस इसका 0.40 है जो कि नेगेटिव है। और बाकी इसका फेस वैल्यू और जो बुक वैल्यू है वो सही है। गाइस इसकी डिलीवरी एंड वॉल्यूम को देखें तो आज इसकी वॉल्यूम 3 लाख की है और यस्टरडे इसकी वॉल्यूम 5 लाख की थी। 1 वीक एवरेज देखें तो इसकी 4 लाख थी, 1 मंथ एवरेज में इसकी वॉल्यूम जो है 3 लाख थी। और गाइस इसकी डिलीवरी भी देख सकते हैं 74%, 73% और 70% की भी है। गाइस अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखें तो जो इसका पहला सपोर्ट है वो 2.36 रुपये और दूसरा सपोर्ट 2.24 रुपये और तीसरा सपोर्ट 2.13 रुपये है। और जो पहला रेजिस्टेंस है वो 2.59 रुपये है और दूसरा रेजिस्टेंस 2.70 रुपये और तीसरा रेजिस्टेंस 2.82 रुपये है। गाइस बात करें इसके शेयर होल्डिंग की तो देख सकते हैं इसकी जो ज़्यादातर शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है 70.68% और प्रमोटर के पास 29.31% है और DII के पास 0.02%। और गाइस बात करें इस शेयर की तो गाइस अभी तो इस शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क है, आप चाहे तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और गाइस अभी जो ये शेयर है इसके प्राइसेस ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो गाइस इसमें अभी शॉर्ट टर्म में रिस्क है।